दोस्तों हमारे फ्री फायर का नेक्स्ट वेपन वैली में कौन सा गन स्किन आएगा? पता लगा लिया, सब कुछ पता लगा लिया, मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। जी हाँ दोस्तों, हमारे करंट वाले वेपन वैली के अंदर एक एक्समेट का स्किन आ रखा है जो कि बेकार है, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर ये वाला एक्समेट का स्किन अपने वेपन वैली को छोड़ के जाने वाला है। मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? लेकिन इसके बाद हमारे गेम के अंदर नेक्स्ट वेपन वैली कौन सा आएगा ये मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। OB45 अपडेट के बाद हम लोग अपने व्हीकल्स को ऑटो पायलट मोड में चला सकते हैं। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? जी हां दोस्तों, एलन मस्क भाई साहब को अपने जॉब भी छोड़ना पड़ सकता है, लेकिन ये ऑटो पायलट का फीचर गेम के अंदर वर्क कैसे करेगा आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा। जल्दी हमारे गेम के अंदर एंजेलिक पैंट भी रिटर्न आने वाला है, तो एंजेलिक पैंट का स्पेशल इवेंट के बारे में भी आप सभी को इसी वीडियो के अंदर से ही पता चल जाएगा। क्या बात, ये बात है। तो इसी से ही आप लोग समझ सकते हो आज का ये वाला वीडियो आप लोग के लिए होने वाला है काफी ज्यादा मस्त, शानदार, धांसू, जबरदस्त, मतलब अब तो कोई वार्ड बचा भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी के बिना बात किए शुरू करते अपने आज का वीडियो एंड शुरू करते अपने आज का कार्यक्रम। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? नमस्ते भैरथान समस्ते। तो दोस्तों yes. आज के इस वीडियो के अंदर सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं हमारे फ्री फायर की व्हीकल्स के अंदर आने वाला ऑटो पायलट फीचर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अभी आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, अभी जो स्पीड कार चल रहा है ना, उसे मैं नहीं चला रहा हूँ। ना ना ना, वो तो ऑटो पायलट में चल रहा है। और ये चलाता गया, ये टूट गया भाई, क्या ऑटो पायलट बनेगा रे तू। खैर दोस्तों, जैसे हर एक गेम के बीच में हमारा फ्री फायर बहुत ज्यादा अजीब है, वैसे फ्री फायर का जो ऑटो पायलट मोड है ये भी काफी ज्यादा अजीब है। नॉर्मली ऑटो पायलट मोड के अंदर होना क्या चाहिए? क्या आपने एक बार मैप में लोकेशन दे दिया, उसके बाद बकायदा ये गाड़ी आप लोगों को अपने लोकेशन के अंदर छोड़ के आना चाहिए। पर अपने फ्री फायर के अंदर जो ऑटो पायलट मोड आने वाला है उसके अंदर ऐसा नहीं होगा। उसके अंदर आपने एक बार ऑटो पायलट के ऊपर क्लिक कर लिया तो गाड़ी चलता जाएगा, पर उसको लेफ्ट जाना है या फिर राइट वो खुद से डिसाइड नहीं कर सकता है, ये आप डिसाइड करोगे और लेफ्ट राइट बटन को आप लोगों को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा, बाकी दोस्तों ये था फ्री फायर का मास्टर प्लान, फ्री फायर के द्वारा डिजाइन किया गया ऑटो पायलट मोड। ये मोड आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और साथ साथ आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये वाला फीचर आप लोगों को गेम के अंदर कुछ भी हेल्प कर सकता है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइम वेस्ट है, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बता देना। अगला एपिसोड। चलिए दोस्तों, अभी के लिए हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर आगे, और अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारे फ्री फायर में रिटर्न आने वाला ग्लाइडर के बारे में। पर उसके बारे में तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं ना। हाँ कर तो चुके हैं, पर पहले ना हम लोग को सिर्फ और सिर्फ यही पता था कि ग्लाइडर का यूज हम लोग सिर्फ और सिर्फ 7th एनिवर्सरी वाले पोर्टल के अंदर जाने के लिए और उससे बाहर आने के लिए कर सकते हैं। पर अभी ग्लाइडर से रिलेटेड कुछ और भी जानकारी मिल चुका है। चलो आप लोग इतना ज्यादा बोल ही रहे हो तो बता ही देता हूँ। बताओ, OB45 अपडेट के बाद एनिवर्सरी इवेंट के टाइम पे आप लोगों को कुछ इस टाइप का अलग सा दिखने वाला वस्तु मैं आपके हर कोने में देखने के लिए मिल जाएंगे, और अगर आप लोग इसके ऊपर चढ़ते हुए यूज वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हो ना, फिर ये वस्तु आप लोगों को उठा के ऊपर फेंक देगा एकदम आसमान की ऊंचाइयों पे, और ऊपर से आप लोगों को ग्लाइडर मिल जाएगा जिसको लेके आप लोग जमीन के ऊपर कहीं भी लैंड कर सकते हो। बाकी दोस्तों ग्लाइडर एक ऐसी चीज है जिसे देख के हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है हम लोग ओल्ड फ्री फायर में आ गए। इसलिए ये आप लोगों को गेम के अंदर कहां कहां से देखने के लिए मिलेगा ये मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। बाकी चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते इस वीडियो के अंदर आगे, और अभी हम लोग बात कर लेते हैं एंजेलिक पैंट का रिटर्न के बारे में, क्योंकि कुछ टाइम के पहले आप में से एक भाई ने यहाँ पे कमेंट किया था एंजेलिक पैंट कब बैक आएगा, लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल, थैंक्स, लव यू। तो चलिए दोस्तों फटाफट से अभी हम लोग वीडियो के अंदर एंजेलिक पैंट रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, और ये देखते हैं कि इस बार हमारे गेम के अंदर कौन सा एंजेलिक पैंट रिटर्न आने वाला है और साथ साथ तो किस इवेंट के अंदर हमें रिटर्न देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे व्हाइट एंजेलिक पैंट्स, और बात कर लिए कौन से इवेंट के अंदर आप लोग को रिटर्न देखने के लिए मिलने वाला है, तो ये हमारा एक लक रॉयल के अंदर आप लोग को प्योर एंजेल यानी कि हमारा जो व्हाइट एंजेलिक पैंट है और उसका जो फीमेल वर्जन है वो तो आप लोग को रिटर्न देखने के लिए मिल ही जाते हैं। यहाँ पे साथ ही साथ आप लोग को उनके जूते भी रिटर्न देखने के लिए मिलते हैं, और इस वाले लक रॉयल के अंदर बस इतने ही आइटम्स है। भाई ये तो शुरू होते खत्म हो गया यार। जी हाँ दोस्तों, इसे बोलते हैं सीधी बात नो बकवास, क्योंकि मेन रिवर्ड्स को छोड़ के जितने भी रिवर्ड्स करने वाले हम लोगों को किसी भी इवेंट के अंदर देते हैं ज्यादातर फालतू ही होते हैं। ठीक है, इसलिए मेन के दो चार रिवर्ड्स दे दिए, अब बाकी रिवर्ड्स क्या करें, नहीं चाहिए नहीं चाहिए। बाकी इस टाइप का लक रॉयल या फिर ऐसा कोई भी इवेंट जिसके अंदर आप लोग को एंजेलिक पैंट्स रिटर्न देखने के लिए मिलेंगे, अगर हम लोग इनकी टाइमिंग के ऊपर बात कर ले तो देखो यार 7th एनिवर्सरी इवेंट आ रहा है जिसके चलते फ्री फायर के बहुत सारे ओल्ड और रेयर आइटम्स आप लोग को रिटर्न देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है दोस्तों उसी 7th एनिवर्सरी के टाइम पे ही आप लोग को व्हाइट एंजेलिक पैंट्स भी यहाँ पे रिटर्न देखने के लिए मिल जाए, वो भी बड़े आराम से।
अलेक्स। चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारे गेम के अंदर जल्दी रिटर्न आने वाला अमेजिंग सा दिखने वाला एम फॉर एंड स्किन के रिटर्न के बारे में। एक्चुअल में एक नहीं आएंगे, बहुत सारे आएंगे, तो आप लोग ना देख ही लो कौन कौन से स्किन से अभी रिटर्न आने वाले, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यही उस एम फॉर एंड रिंग इवेंट का बैनर है जिसके अंदर आप लोग को बहुत सारे एम फॉर एंड के स्किन एक साथ दिखने के लिए मिल जाते हैं। आई इवेंट के अंदर घुस के देखते हैं कौन कौन से स्किन। सबसे पहला जो स्किन आप लोग यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है वो है एम फॉर एंड सनराइज रियल। इसके अंदर ना आप लोग को डबल रेंज प्लस, सिंगल लेटर फायर प्लस, मैगजीन सिंगल माइनस जैसा एट्रीब्यूट भी के लिए मिल जाता है। और सचमुच इस वाले एम्फोरन को देखते हुए ये लग रहा है कि इसके अंदर से ना एक सनराइज कर रहा है। दोस्तों इस वाले रिंग इवेंट के अंदर ये हो जाता है हमारा सबसे पहला एम्फोरन का, जो कि लुक्स वाइज मेरे को काफी ज्यादा जबरदस्त लगा, ठीक है। इसके अलावा इस वाले रिंग इवेंट के अंदर एम्फोरन के दो ऐसे स्किन्स भी है जो कि हमारे फ्री फायर के अंदर अभी रिसेंटली आए। चलो गरेना वाले उनको भी यहाँ पे रिटर्न ला दिया। बहुत टाइम से हमारे फ्री फायर के अंदर कोई भी एम्फोरन का नया या फिर पुराना स्किन अभी तक हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला है, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि ये इवेंट भी अपने फ्री फायर के अंदर जल्दी आएगा। ओके दोस्तों बताओ फ्री फायर के इतने सारे न्यूज देख देख के आप लोग पक चुके होंगे, इसलिए अभी के लिए फ्री फायर से रिलेटेड एक मस्त सा मीम देख लिया जाए। क्यों नहीं, गाना बजाओ। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं, अबे तुम ऐसे हो। अच्छा। पर हम लोग इतना अपने आप को इतना सेफ्टी करते हैं कि हम लोग बेधड़क गाली बकते हैं। भाई ये वाली मीम को ज्यादा रिलेटेबल नहीं हो गया? मतलब गेम के अंदर सोने आने के बाद सभी के सभी लोग यहाँ पे सोने का यूज करते हैं और सभी लोग अपने आप को बहुत ज्यादा सेफ भी मानते हैं क्योंकि उनके पास सोनिया है, इसलिए वो अंधा चढ़ के रस कर देते हैं, ठीक है। और मर भी जाए तो क्या हुआ, सोनिया है ना, वापस जिंदा कर देगी। कोई बात नहीं, हम तो है दोबारा ट्राई करेंगे, और क्या बल्कि काम हम पे। अरे 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 आप नाराज मत होइए, मूड को थोड़ा हल्का करते हैं, ठीक है। पर इस मूड को हल्का कैसे किया जाए, कैसे होगा मूड हल्का? ओके, तो अभी हम लोग को इस वीडियो का मेन टॉपिक के बारे में बात करना पड़ेगा, यानी कि चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं हमारे गेम के अंदर आने वाले नेक्स्ट वेपन वाले के बारे में। तो नेक्स्ट वेपन वाले के अंदर यहाँ पे कौन सा गन स्किन आने वाला है एकदम डिटेल में मैं आप लोग को आज जानकारी दे दूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया था तो क्या कह रहे हैं यार, जल्दी से जल्दी फटाफट से इस वीडियो को एक बार लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ सेल वाला बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे डाल देना अगर आप लोग ऐसे ही मस्त मस्त वीडियोस रोज देखना चाहते हो। ओके, तो दोस्तों अब बिना किसी तरीके फटाफट से चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट वेपन वेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो यार फिलहाल हमारे गेम के अंदर कुछ इस टाइप का एक एक्समेट का वेपन वेल चल रहा था जिसके अंदर आप लोग को डबल मैगजीन प्लस, सिंगल लेटर फायर प्लस और रिलोड स्पीड सिंगल माइनस जैसा एबिलिटी देखने के लिए मिल जाता था। लेकिन जैसे कि आप लोग को पता चल चुका होगा ये हमारे गेम के अंदर से जल्दी हटने वाला है। कुछ दिन पहले तक तो सभी को ऐसा लग रहा था कि ये जो M60 का स्किन आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ना, ये वाला M60 का स्किन ही हमारा नेक्स्ट वेपन वेल होने वाला है। लेकिन जैसे कि आप लोग पता चल चुका होगा कि ये वाला M60 का स्किन अभी रिसेंटली हमारे गेम के अंदर एक रिंग इवेंट में आ चुका है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अरे अरे टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अभी हमारे पास वेपन वेल के अंदर आने के लिए दो और स्किन्स बच रहे हैं जो कि मैं आप लोग को अभी दिखा भी देता हूँ। तो इस वाले लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है VSS Unstrokes का, ठीक है। Unstrokes तो आप लोग को पता ही होगा, इस थीम के ऊपर आप लोगों को हमारे फ्री फायर के अंदर अभी रिसेंटली एक डेडिकेटेड रिंग इवेंट देखने के लिए मिल चुका है, पर उसके अंदर ये वाला VSS का स्किन प्रेजेंट ही नहीं था। तो हो सकता है करने वाले इसको वेपन वेल के लिए बचा के रख रहे हो। बाकी बात करें इसकी एबिलिटीज या फिर एट्रीब्यूट्स के बारे में, तो इसके अंदर सबसे पहले तो आप लोगों को डबल रेंज प्लस, सिंगल मैगजीन प्लस और मूवमेंट स्पीड सिंगल माइनस देखने के लिए मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से VSS के लिए ठीक ठाक सा मतलब फेयर सा एट्रीब्यूट है। बाकी बाय चांस अगर ये वाला VSS का स्किन अपने वेपन वाले के अंदर नहीं आता है तो फिर कोई बात नहीं, दूसरा ऑप्शन भी देख लो। ये दोस्तों हमारे फ्री फायर के द्वारा बहुत पहले से डिजाइन किया गया एक MP40 का स्किन जो कि अभी तक अपने गेम के अंदर आया ही नहीं, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि अपने जो नेक्स्ट वेपन वाले आ रहे हैं ना, करने वाले इस वाले MP40 को उस न्यू वेपन वाले के अंदर डाल सकते हैं। बाकी मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, आप लोग बताओ यार हमारे नेक्स्ट वेपन वाले कौन सा होना चाहिए, VSS वाला या फिर अभी जो मैंने आप लोगों को MP40 वाला दिखाया है वो वाला? दोनों में से कौन सा आप लोगों को बेस्ट लगता है और आप लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ इस वाले वेपन वाले को अपने गेम में आना चाहिए, आप लोग ना मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बता देना। साथ साथ जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मेरे अकाउंट के अंदर अभी बस 31 वेपन वाले वाउचर्स पड़े या फिर लक वाले वाउचर्स पड़े, और इसी के साथ साथ मेरा जो लकी परसेंटेज है वो है 43। बाकी ऐसे ही आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता देना कि आप लोगों के पास कितने लकी वाले वाउचर्स पड़े, अभी आप लोगों का लक परसेंटेज क्या चल रहा है, जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि हाँ नेक्स्ट वेपन वेल के अंदर से MP40 या फिर VSS को निकालने के लिए आप लोगों को कितना मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो फटाफट से ये चीज भी आप लोग मुझे बता देना। बाकी विद दैट सेड चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी को काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं।